वाह को ना हुई भाई, 9 फुट के लिए आए थे, कामयाब ना हुई इस पर। मतलब गुरबाज नहीं चली पुन्नी आपकी, ओके पुन्नी 8 फुटी है भाई, गुरबाज की 9 फुटी थी, वह 9 फुटी बढ़िया नहीं। सुपर सीडर में ईब की बारिश ने 110 किले बोए हैं भाई, 110 किले। हाँ अच्छा, ये एजेंसी वाले था कई बकाय ली बेरा ना भाई, बदलेंगे कि ना बदलेंगे, कह दे हैं पर बदलते को ना। अच्छा भाई, मशीन एक बात बता, आज तक एक पैसे का उजाड़ नहीं करया, तो मशीन बदलने का तो कोई चांस नहीं था। बड़ी सुथरी चाल रहा भाई, बड़ी मतलब 2021 मॉडल। हाँ के कुछ कहना मशीन के बारे में भाई, मशीन न्यू मान ले भाई, जन्नत है एक किस्म की भाई। जिस पे पूरी चेंज करनी पड़ी, पहला नो की थी 16 नो की, 16-10 की, पहले 16 नो की थी, 16-10 की। ना ना भाई देख, कल्टीवेटर 15 की जोड़ा है, 20-25 है। अच्छा 15 की, ठीक है। एरो 20 की है मेरी में, ये 2 ट्रैक्टर रह रहे थे जब लिए जब। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये लास्ट सेकंड था उस टाइम का। अच्छा अच्छा, जितने भी किसान साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं लगातार भाई, उनको नमस्कार। तो आज की वीडियो जो होगी न्यू लैंड 56-20 जो है उसके ऊपर होगी। और किसान साथियों, आज जो 56-20 है इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, मतलब कि विश्वकर्मा की 741 जो स्टोरी पर है उसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो आपने दिखावांगे। और एक बार किसान साथी से आपने मिलावांगे, किसान साथी का के कुछ कहना है इस मशीन के ऊपर, मशीन के बारे में भी और ट्रैक्टर के बारे में भी, दोनों चीज़ें आज की वीडियो में प्रॉपर तरीके से कवर करना हमने भाई। बाकी भी आपने वीडियो जैसी भी लगे, जो सवाल जवाब हमारे होंगे कैसे होने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है भाई, सही सवाल जवाब थे या कुछ कमियां रह गई थी, वो सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में कवर करनी। तो आपने पीछे देख लिया होगा विश्वकर्मा 741 जो आपकी स्टोरी पर है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी पर है ये भी। तो क्या कुछ करना है इस मशीन के बारे में भी और किसान साथी से पूछेंगे इसके बारे में, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये भाई किसान भाइयों, 56-20 न्यू लैंड 4-व्हील ड्राइव में, तो जस्ट किसान भाई ने ट्रैक्टर खरीदा था जो सादे इंजन में ट्रैक्टर बंद हुए थे उस टाइम पे, काफ़ी कम स्टॉक था उसी समय ये ट्रैक्टर किसान भाई ने लिया था जो कि सादे इंजन में, अभी तो CRDI में अवेलेबल है। ट्रैक्टर को किसान भाई ने चला दिया लगभग 444 घंटे भाई, 444 घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है और कम समय में काफ़ी अच्छी पकड़ जो है मार्केट में इस ट्रैक्टर ने बना ली थी। और फिलहाल में भी काफ़ी डिमांड है ट्रैक्टर की। और अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के मॉडल की, तो मॉडल है भाई ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी है कहाँ गई, 2022 की, 12/2022 की, ठीक है। तो ट्रैक्टर को इस स्टोरी पर चलाएंगे, बाकी इसका मॉडल भी पूछेंगे किसान भाई, तो क्या कुछ करना है इस 2021 मॉडल है भाई, वो लिख रखे है 2021 मॉडल, और कितने इंच में है, कौन से गियर में चल लगी, तो वो चीज़ें आपको दिखाएंगे। बाकी ट्रैक्टर के बारे में आपका क्या कुछ करना है, अगर आपके पास भी न्यू लैंड 56-20 ट्रैक्टर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दियो भाई। तो पूछते हैं भाई से क्या कुछ का होगा भाई इस ट्रैक्टर के बारे में, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी।
किसान साथियों, आपने पहले देखा रिपर की परफॉर्मेंस और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आपको दिखाई, भी कौन से गियर में चल रहा है वो दिखाया। बाकी किसान साथी से पूछा भाई ट्रैक्टर कैसा है, मशीन कैसी है, सारी चीज़ें डिटेल से बात कराएंगे कि कुछ क्या होगा भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले अपने किसान भाई ने परिचय, अपना गांव नाम क्या है जी? भाई मेरा नाम अनिल है और गांव कलोई। गांव सूरा कलोई। हाँ सूरा कलोई। ठीक है भाई। अच्छा आपने न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कब लिया है? यो मैंने लिया था 2023 में। 2023 में लिया? हाँ। अच्छा मतलब कि आप लास्ट सीख में ले गए? ये दो ट्रैक्टर रह रहे थे जब लिए जब। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये लास्ट सेकंड था उस टाइम। महंगा भी मिला आपने? हाँ महंगा मिला है, 11.5 लाख रुपए का। 11.5 लाख पर बाकी देखो चीज आज भी है, 11.5 लाख की चीज है। बिल्कुल है ना, तो डिमांड थी ट्रैक्टर की। अच्छा इससे पहले कौन सा था अपने? इससे पहले DI-55 था अपने। DI-55 कितने दिन चलाया अपन वो? वो चलाया भाई 3 सीजन रिपर के। 3 सीजन कितने घंटे चल गया होगा लगभग? वो लगभग चल गया था मेरे हिसाब से 1400-1500 घंटे। 1400-1500 यानी मान के चलो 500 घंटे सीजन का। हाँ सीजन पे 500 घंटे हो जाया करते हैं लगभग 500 घंटे। अच्छा हाँ। उसने कौन से इम्प्लीमेंट पे चलाया करते अपन? उसने भाई एक तो रिपर पे बत्ती यूज कराया। अच्छा रिपर पे ज्यादा था। हाँ बाकी और एरो कल्टीवेटर? एरो कल्टीवेटर चल रहा थी। क्या की कल्टीवेटर? एरो कल्टीवेटर तो उस पर 11 के भी चला लिया थे, 13 के भी। अच्छा 11-13 दोनों चल जाए। हाँ अच्छा अच्छा 11 पर चल यार। हाँ 11 पर चल लिया करती। अच्छा इवनू बताओ आपने ट्रैक्टर चेंज कराया है? हाँ। तो आपने इंप्लीमेंट को चेंज करे? ना ना भाई देख कल्टीवेटर 15 के जोड़ा है, 20-25 है। अच्छा 15 के ठीक है। एरो 20 की है, मेरे पास बनवा रखी थी 20 की। उस पर 20 की थी, इस पर भी 20 की है। अच्छा भाई। हाँ अच्छा या रेपर वा सेम है? हाँ, अच्छा एक चीज आप बताओ, इस ट्रैक्टर चेंज कर रहा था अपन, पुली वगैरह चेंज करनी पड़ी? पुली चेंज करनी पड़ी भाई। पहले कौन सी पुली चेंज करनी पड़ी? पहला 9 की थी, 16 9 की, 16 10 की। पहले 16 9 की थी, 16 10 की। अच्छा कारण क्या रहा इस चीज, मतलब क्या कारण रहा इस चेंज करने का? ट्रैक्टर गर्मा हो नहीं इस तरह, लोड ना लेगा। उसमें पीटीओ थी जो बना थी 1600 RPM पे पूरे 540 चक्कर। ठीक है यो 2000 RPM पे बना हुआ है पूरे 540 चक्कर। बिल्कुल जाती बदलवानी पड़ी भाई, पूरी चेंज करो। हाँ इसके चक्कर में और उसके चक्कर में फर्क से भाई। अच्छा मशीन क्या मॉडल भाई अपनी? मशीन 21 मॉडल। हाँ कुछ कहना मशीन के बारे में? मशीन न्यू मान ले भाई, जन्नत है एक किस्म की भाई। किसान के लिए मतलब सोना सुहागा मशीन। हाँ भाई बिल्कुल न्यू है। अच्छा अच्छा क्या मॉडल? 21 मॉडल है भाई। अच्छा इसमें के कुछ अभी तक खर्चा अपन भाई? कोई खर्चा नहीं आया। इब की बार थोड़ा मन करा कि इसकी तेल की सर्विस कर दिया, गियर बक्से की वाह वाह करी है। अच्छा अच्छा ये अपना इसमें गियर बक्सा है, इसका गियर बक्सा है, इसके तेल की सर्विस कंप्लीट कार्ड गए? कंप्लीट कार्ड का नहीं भाई, यो आगे आगे का नहीं है। अच्छा ये नट खोल ले। हाँ ये पैकिंग डाल दी नहीं और तेल डाल दिया। तेल डाल दिया मतलब? हाँ। पैकिंग लीक तो नहीं थी वैसे? ना 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 वैसे चेंज करती भाई। हाँ कोई 3 साल हो लिए सर्विस ट्रैक्टर की भी करा है यार। ना ना बिल्कुल भाई, इस मशीन की भी चाहिए भाई, पूरे सीजन चल रही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई। अच्छा और के कुछ मतलब आज से ये मान के चलो या 3-4 साल पुरानी मशीन है, ई वाली मशीन जो आ रही है विश्वकर्मा की, उसमें कितना फर्क आ रहा है इसमें? भाई देखो मैंने नहीं तो देखी ना, पर बाकी पेंट क्वालिटी का फर्क आया, बाकी जो बनत है वह सेम है कंपनी की भाई। सेम बनत है बिल्कुल। अच्छा यह क्या इंच में भाई? यह 57 इंची है भाई। यार दिखा दे। अच्छा 57 इंच में? 57 इंची है यह मशीन, 2021 मॉडल है। ठीक है 57 इंच में। हाँ। अच्छा फिर आपने ट्रैक्टर बड़ा कराया तो नहीं विचार करेगा भाई मशीन 63 ले लिया भाई? मशीन एक बात बता, आज तक एक पैसे का उजाड़ नहीं करया तो मशीन बदलने का तो कोई चांस नहीं था। बड़ी सुथरी चाल रहा है भाई मशीन ने, मतलब इसे लगाओ रहा है इस मशीन पे, लगाओ भाई मशीन पे भी। अब दूसरी बात ये, अभी अगर मान लिया ट्रैक्टर खुल कर चल रहा तो बड़ा गियर कर लो थोड़ा? हाँ बड़ा गियर कर लो, स्पीड हो जाएगी। हाँ एक भाई रास्ते की दिक्कत ना आती, 57 इंच जो या मशीन, इसमें रास्ते में आराम से लकड़ जाए। रास्ते में कोई दिक्कत? बड़ी मशीन आ जाए वहाँ रास्ते में आड़ है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा अभी तक अगर एवरेज देखा तो कई ट्रोली इस मशीन ने बना दी? अब तक इसने देखा तो इसने लगभग 800 ट्रेली बना दी। मतलब कि 800 ट्रेली बना दी इसने? 3-3.5 साल हो गए इसने तो 800 ट्रेली बना दी। हाँ मशीन चला भी बहुत दिया अपन है। हाँ और कोई बेल्ट वगैरह में कोई नुकसान भाई? आज तक बेल्ट नहीं कोशी में। अच्छा कोई बेल्ट खत्म? कोई बेल्ट नहीं, बस 3-4 साल में तो बेल्ट वो भी सूख जाए हैं। देख लो आप बेल्ट कंडीशन देखो। बिल्कुल बेल्ट आज भी मतलब इस कंडीशन कैमरे के आगे हैं। बिल्कुल भाई देख ओके है मशीन। हाँ कोई टूट फूट मशीन में नहीं है। अच्छा ट्रैक्टर के बारे में और बताओ थोड़ा, वो दब्बे वगैरह तो नहीं? ना 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 भाई दब्बने का कोई मतलब? बढ़िया चाल है। बढ़िया
अच्छा ये भी वो ट्रैक्टर कौन से गियर में चल रहा है, मान ले रैपर की अगर आप बात करा दो। रैपर की भाई दूसरे में तो चल रही है, नालवा थोड़ा थोड़ा हल्का होता, तीसरे में भी चला लियो। तीसरे में चला लियो, बाकी दूसरे में कितने? दूसरे में बढ़िया चल रहा है, मतलब के दूसरा में हिसाब कितने घुसा दे। हाँ हाँ लाना है। हाँ अरे भाई कति नु गिल्ला होता भाई, पहला पहले में भी चल जा। अरे भाई कति ग्यारह होती ऊपर चाल लगा ना, वो चीज अलग होगी, लेकिन मतलब कि दूसरे लोग की चाल जो है अपनी बढ़िया काम भी काट, बढ़िया कति काम काम काटेगा और भाई समय भी कम लगेगा। हाँ, नहीं अच्छा भाई अच्छा। और ट्रैक्टर में कोई परेशानी? कुछ ना भाई, एक बार इसकी मड गार्ड की आई थी समस्या। अच्छा, या अच्छा। ये एजेंसी वाले तो कई बार कह ली बेरा ना भाई बदलेंगे कि ना बदलेंगे, कह दिए हैं पर बदलते को एक साल हो लिया। हमने तो पहली बार देखा ओलैंड के मड गार्ड में। हाँ ओलैंड में यह चीज भी पहली बार मैंने नोटिस करी, बाकी देखा यार जिस तरह तड़कने की समस्या। हाँ कई बार कह ली कोई सुनवाई नहीं, और वैसे भी इसमें कोई नू भी नहीं चोट कोई लाग रहा हो। ना कंपनी स्टार्टिंग में आया ना जब बताया, नोटिस करवा दिया, कंप्लेंट करवा दी, पर कोई सॉल्यूशन कोई नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी देखो भाई कंपनी वाला इस चीज को देखना चाहिए। अच्छा जो फ्रंट एक्सल इसका है, हाँ इसके बारे में क्या कुछ करना, कोई मतलब काफी भाई ट्रैक्टर हम देखे कोई समस्या का नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही आज तक कितने तक, कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं वाला है इसमें एक्सल ठीक है। अच्छा भाई अच्छा जो फोर व्हील की रोड है अपनी, हाँ भाई किसे मतलब डोले भी ऊंचे हैं, उन्हें कितने टक्की हो टूट फूट कितने? नहीं भाई कोई आज तक इतने टक्की ना है। अच्छा अच्छा अपने एरिया में खेती मतलब किस किस टाइप की होती है भाई? मारे धान हो जाए है, गेहूं, बाजरा, सारी चीज हो। अच्छा मिक्स है? हाँ पलेज की सब्जी हो, प्याज पुजा की भी। अच्छा पलेज वाला काम भी हो जाए? हाँ तो कुल मिला के ऑलराउंडर सा टाइप का एरिया है यो भाई। बाकी ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है और हाँ। बढ़िया किसान भाई का रिस्पांस है हाँ। और बाकी छोटी मोटी दिक्कत है वो कंपनी ने हाँ, कंपनी सोचती कौन है भाई, सोचनी चाहिए उस चीज के बारे में। बाकी ट्रैक्टर काफी बढ़िया है और बाकी आपकी के कुछ राय है? अच्छा हाँ। फ्रंट बम्पर के क्यों बनवाना पड़ा अपने भाई? रिपर में और सुपर सीडर में चल रहा है। सुपर सीडर में ईब की बारिश ने 110 किले बोए भाई। 110 किले कौन सी अपने भाई? पुन्नी की है भाई। पुन्नी की? बिल्कुल। पुन्नी की कौन कितने फीट में है? या 8 फुट में भाई। 8 फुट में रिस्पांस की साग मशीन भाई बढ़िया एक नंबर। कब लेके आए थे? आपकी सीजन में? आपकी सीजन ले आए थे, इसका अच्छा, पहला अच्छा। थी वे बढ़िया ना आया करती। हाँ तो आपकी बार तो बहुत अच्छी रखे मशीन, थोड़ा भरोसा करके ले आए थे। अच्छा हाँ भरोसा की साग लाया फिर उनका? भरोसा बढ़िया उतरा भाई, वो तो पहला गुरबाज की ले आए थे, वह कौन हुई भाई 9 फुट की ले आए थे, कामयाब ना हुई। मतलब गुरबाज नहीं चली पुन्नी हाँ, आपकी ओके। पुन्नी 8 फुटी है भाई, गुरबाज की 9 फुटी थी, वह 9 फुटी बढ़िया नहीं चली। पुन्नी की इसी थी भाई, आले में बोले सिले में किस सबड़ बोले। अच्छा पाछे ने जो अपने तोये चल रहे ना उनमें कदे माटी ना फंसी, और वो थोड़े वो है ना आगे पीछे वाले तोये वाला सिस्टम जो वो कामयाब है, मतलब पुन्नी का। बिल्कुल भाई बिल्कुल पुन्नी का वो चीज कामयाब रही, कामयाब। बस इसमें कितना डीजल आ जाए लगभग? इसमें 60 लीटर भाई। 60 लीटर 60 लीटर डीजल आ जाए भाई। अच्छा कहाँ से बनवाया अपन यो? यो जज्जर तक बनवाया था, शिवाज वाले। शिवाज वाले तो अच्छा। खर्चा कितना का क्या होगा लगभग भाई? 17,000 रुपया बन गया। 17,000 रुपया का खर्चा लगे था भाई। कोई हाँ। भाई और भी बनवाना चाहो तो पेंट अलग से करवाया था भाई, पेंट अलग से आपने? हाँ हाँ तो मान के चलो और 2,000 रुपये मान लियो पेंट के। अच्छा सुपर सीडर में उठने की कोई समस्या तो वैसे भी नहीं होनी इसकी तो? सुपर सीडर बढ़िया भाई, क्योंकि उसमें थोड़ा वजन घटा दिया, क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ रहा। अच्छा क्वालिटी अच्छा। थोड़ी हल्की कर दी भाई, मतलब किसान देखे उस चीज से परेशान थे, वजन बहुत ज्यादा था अपनी। हाँ हाँ। वो चीज कम करी कंपनी ने। हाँ हाँ। तो अब की बार पुन्नी ओके बोल रही है भाई? अब की बार हमने तो देखो ओके लागे, हमने तो आ गया मजा भाई। अच्छा अच्छा पुन्नी हाँ। के इंप्लीमेंट से मजा आ गया उसके भाई, अब की बार मजा आया। बाकी कंपनी ने सोचा उसके बारे में? और जो डिस्क जो आगे पाछा करी ना भाई, वो तो एक नंबर का काम करे। उससे तो ज्यादा उससे ने देख के ले आए थे भाई। अच्छा उस चीज ने देख के ले आए। अच्छा वैसे अगर बात करा रेट की, कितना भाई रेट? तनु मान ले कति एक नंबर का रेट दे रखा है। रेट एक नंबर का? हाँ। तो बाकी आप सोच को भाई एक नंबर का रेट कितना होगा? हाँ। जो भाई ले रहे हैं वो भी सोच हाँ। के हैं। औरत है नु मान ले 10,000 रुपये सस्ती थी। चलो हाँ रेट तो, में भी राहत थी भाई। चलो रेट भी बढ़िया मिल गया भाई ने। यार भाई मशीन सुपर सीडर भी बढ़िया काम करिए। एक चीज बता दे लास्ट में, एवरेज की है इसकी? अगर एक ट्रॉली की आप देखा रेपर की और भाई एक किला सुपर सीडर का, दोनों अच्छा चीज बता दे एक बार। भाई देख सुपर सीडर में था जिसा भाई धरती दो डाल की हमारे डायर की भी है अच्छा। और भाई नॉर्मल भी है, दो मड़ मिट्टी जिन्हें अच्छा, कहा हाँ, ठीक है ठीक है। वो दो मड़ मिट्टी में तनु मान ले एम के पहले ती चाल जाए ट्रैक्टर, एम के पहले में थोड़ी चाल नहीं होती हाँ, बहुत हो जाए।
एम के पहले में बोए हैं मैंने कई किले हमारे गांव में, और भाई तीसरे में बोए हैं लो के, तीसरे में बोए हैं डायर में। अच्छा अच्छा हाँ, लो के तीसरे में चला था डायर में भाई। तो अगर आली होती तो दूसरे में एवरेज, एवरेज भाई इसकी सुपर सीडर में तो नू मान ले पक्के डायर में तो आई है 6 की 7 की भी, 6 की 7 की तो नहीं होती भाई, जो अल्लाह जब 7 की हो जाती ना तो 6 की रह लेता। अच्छा अच्छा। और भाई जब यो एम के पहले में चला करता जब तो यो 3 लीटर तेल लिया करता। 3 लीटर तेल, बिल्कुल मतलब सच्चाई है चीज। या बिल्कुल सच्चाई है भाई, मन ने हमारे गांव में एक के बोए थे उन्होंने 3 लीटर तेल खाया। अच्छा हाँ, तो भाई मैंने उस दौरे भाड़ा भी 1500 रुपये पी लिया, ज्यादा ना लिया। अच्छा अच्छा, मतलब किराया आपने उसी हिसाब से। हाँ जी हिसाब से, कम तेल खा लिया तो कम में ले लिया, ज्यादा ना लिया। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अगर बात करा रैपर की तो रैपर में कितना डीजल ले लिया एक ट्रोली? रैपर में भाई स्टार्टिंग में तो 6 लीटर लेगा। अच्छा, ये अभी स्टार्टिंग है। हाँ, फिर 5 पा आ जाएगा, और भाई कति सूखा हो जाएगा जब और कम कर दिया, 4.5 की एवरेज भाई, गीला थोड़ा। बिल्कुल ये चीज। हाँ चलो भाई, बाकी आवाज़ तो शानदार है ट्रैक्टर की भाई, सारी चीज़ शानदार है। चलो भाई, बाकी भाई का फीडबैक काफ़ी बढ़िया था। चलो भाई धन्यवाद, काम का समय है भाई, टाइम बहुत कम है। धन्यवाद।